पॉपकॉर्न नहीं है तो फिर संडे ले लेते हैं, होते हैं हॉट फज संडे, वन हॉट फज संडे। थैंक यू। या वन हॉट फज संडे। मॉल है, हम उसके तरफ जा रहे हैं अभी क्योंकि हम सोच रहे हैं थोड़ा विंडो शॉपिंग भी हो जाएगा, आए हैं तो बार बार आया जाता नहीं है यहाँ पे। तो वेस्ट कोस्ट प्लाजा और यहीं से इसकी एंट्री भी है, पर तो शायद बंद है तो हम नीचे से जाएंगे। तो ऊपर की जो एंट्री थी वो कोविड के कारण बंद है, काफ़ी सारे जो डोर्स हैं वो हर तरफ से इसको खोला हुआ नहीं है इन लोगों ने, तो कहीं से ये ओपन है और कहीं से क्लोज, सारे गेट ओपन नहीं है। तो अगेन यहाँ पे जो है एंट्री के लिए आपको अपना रेजिडेंशियल आईडी दिखाना होगा, अदरवाइज़ आपको ये जो ऐप है ये स्कैन करना पड़ेगा। तो हम अपना आईडी दिखाते हैं। यह कोल्ड स्टोरेज, यहाँ पे आपको नॉर्मली आपका सारा ग्रॉसरी वेजिटेबल्स फ्रूट सब कुछ अवेलेबल है।
तो पहले हम गए थे ऊपर फूड कोर्ट में कुछ देखने की, अगर कुछ इंडियन फूड कुछ मिल जाता है तो अपना डिनर का काम हो जाएगा। बट चूँकि यहाँ पर कुछ भी इंडियन या कुछ ऐसा वेज फूड मिला नहीं हमको, तो अब हम वापस आ गए नीचे और अब हम जा रहे हैं टोस्ट बॉक्स में, तो अपना एटलीस्ट टोस्ट और चाय करते हैं। ठीक है, तो आओ आपको ले चलते हैं हमारे टोस्ट बॉक्स में। ये दिख रहा है टोस्ट बॉक्स सामने, चलिए इसमें चलते हैं। नो टोस्ट, नो टोस्ट, नो टोस्ट, फिनिश, फिनिश। टेस्ट करता है, वन टेस्ट करता है, वन टेस्ट क्या है? ओनली वन थिंग, एवरी हियर। तो देखिए चाय बनाने की जो है प्रिपरेशन कैसी है, मिल्कमेड डाला, उसके बाद अब इसमें बॉइल्ड टी का जो वाटर होता है, चाय का पानी, बॉइल्ड वाटर ऑलरेडी रखते हैं उसको डाल दिया, और अब इसमें गर्म पानी डाल दिया और अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये बन गई है आपकी देसी कताई है, जो कि चाय कहलाती है। आज हम साइनिंग ऑफ कर रहे हैं, साइनिंग ऑफ फ्रॉम एविएटर शर्मा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।